हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नानो निवी ब्लॉग। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये है सुबह का नाश्ता जो कि मैं बना रही हूँ। ये है ढोकले जो कि मैंने बना के टिफ़िन में रख लिए हैं। अब इसे मैं ना फ्राई करूँगी। क्या होता है जल्दी जल्दी में फिर नहीं कर पाती हूँ, तो ढोकले मैंने बना के रख लिए थे। अब मैं इसे छौंका लगा दूँगी। ये लोहे की कढ़ाई हम यूज़ करने लगे हैं आजकल हर चीज़ों में। और ये है करी पत्ता, कई लोग इसे मीठी नीम भी बोलते हैं, और मिर्च, और ये है तिल। तो तिली और थोड़ा सा मैं राई डालूंगी, जीरा डालूंगी, हल्दी, मतलब ढोकले बना के रख लिए थे। अब इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। इसमें आप थोड़ा सा पोस्ता दाना और तिली डालोगे तो अच्छा भी दिखता है और खाने में भी यम लगता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब क्या करूँगी, उसे भी मैंने ढोकले कट कर लिए क्योंकि गरम गरम क्या होता है ना, अच्छे से फ्राई नहीं हो पाते हैं। अब मैंने ये डाल दिए हैं ढोकले छोटे छोटे पीस करके। अब इसे मैं थोड़ा सा मतलब मसाला फ्राई कर दूँगी और फिर इसके ऊपर आप प्याज, नींबू और नमकीन, मतलब जिसको खाना हो नमकीन, वरना हम लोग ना अलग से सर्व करते हैं कि जिसे जितना डालने का मन होगा डाल लेगा। और ये नींबू रख दिए और प्याज डाल दिए। तो बस ये मैं ले जा रही हूँ भैया का नाश्ता। और फिर इसके बाद ये निवी रानी परेशान कर रही थी थोड़ा सा। मैं उठ जाओ ना निवी, उठ जाओ प्लीज, मैं पैक कर दूंगी तुमको ड्रॉज सहित। बुलाओ पापा को, मोबाइल नहीं मिलेगा। फिर नानू लगी थी जिद पर कि मुझे दूसरा बैग चाहिए। तो हमने ना क्या हुआ था, अब अलग अलग लगा कहाँ से बच्चों को ले जाओ ना अगर किसी की शॉप, तो वो ये नहीं वो लेंगे, वो नहीं ये लेंगे। तो इसके पापा ने क्या किया था, 6-7 सिलेक्ट करके भिजवा दिए थे बैग एक पॉलीथीन में। तो जो दुकान के वर्कर लोग हैं ना, वो लेकर आए थे कि भाभी इसमें से छाँट लेना जो आपको चाहिए। तो मुझे दो बैग लेने थे, एक नानू के लिए एक नेवी के लिए। तो ये देखिए कैसी शैतानी मचाई है। फिर मैं आ गई यहाँ पर, बैठ गई और फिर मैंने बोला चलो मैं चूज़ करती हूँ किसे कौन सा बैग लेना है। तो मुझे ये पसंद आ रहा था बट निवी को नानू को नहीं अच्छा लग रहा था। फिर हमने सारे बैग निकाले, मैंने नानू से बोला तुम लाइट कलर ले लो, तो बोली नहीं मैं नहीं लूँगी। फिर मैंने सोचा चलो डार्क कलर ले लेते हैं, बच्चे 2-4 दिन ले जाएंगे ना फिर वो गंदे से हो जाते हैं। तो फिर मैंने निवी के लिए ये चूज़ किया था और नानू के लिए जो इसके पहले निकाले ना ग्रीन कलर वो देखा था। और ये नानू बोल रही थी मुझे दिलवा दो, बट क्या है ना बहुत बच्चों के बैग आजकल इतने हैवी होते हैं, तो ये हैवी बुक्स के लिए नहीं थे ये बैग। तो मैंने निवी का सोचा कि वो छोटी है तो उसके लिए ये बैग सही रहेगा। उसके लिए भी मैंने डार्क कलर का चूज़ किया था क्योंकि क्या होता है वो बहुत जल्दी गंदे से ना लगे, क्योंकि बच्चों को अभी समझ नहीं होती है ना, लंच बॉक्स खोला या फिर कुछ भी लगता है कि निशान ना दिखने लगे। फिर मैंने इनके बैग सेलेक्ट किए और इन्हें भेज, मतलब इन्हें बोला तुम जाओ बारजी में। क्या हुआ था, बारिश हो रही थी तो ये लोग बारजी से देख रहे थे। और फिर अब बस बारिश का मौसम चल ही रहा है तो बारिश देख रहे थे। फिर मैंने क्या हुआ, फिर मैंने नानू नीवी से बोला चलो होमवर्क करवाती हूँ। तो मैंने उसका होमवर्क करवाया, उसे बोला ठीक से बैठो, बट वो ना सुन नहीं रही थी। उसने पता नहीं क्या कर रही है, मुझे कुछ काम याद आ गया था तो मैंने बोला वो भी फिनिश कर लूँ, फिर बस बैठती हूँ, फिर रात हो। फिर ये है सेकेंड डे मॉर्निंग का वीडियो। तो बज गए हैं मतलब 6:30 हो चुके हैं। अब बच्चों को रेडी करना होता है तो मैंने बोला पहले मैं ये विंडो खोल दूँ। विंडो में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जाली लगी हुई है, तो जाली में क्या होता है ना, हम साकर और की ये लगा देते हैं क्योंकि क्या होता है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मंकी हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि रात को आ जाते हैं ना और जालियों में बैठ जाते हैं, हिलाते हैं उसे, तो लगता है कि रात को खुल ना जाए, इसीलिए हम इसे एक कवर करके सोते हैं। और ये हो गई थी सुबह, तो मैंने बोला ओपन कर देती हूँ। और ये है सुबह का नज़ारा, सबकी दुकानें क्लोज हैं और ये रोड का काम लगा हुआ था, सबके दरवाजे अभी कुछ लोगों के खुल गए हैं और कुछ लोगों के अभी भी क्लोज हैं। और फिर मैं जा रही थी नीचे, नीचे मीन्स दरवाज़ा ओपन करने के लिए, तो ये बंद होता है दरवाज़ा, तो हम बस दरवाज़ा ओपन करके आऊँगी मैं और बच्चों को उठाऊँगी तो उन्हें ब्रश करना। नानू तो अपने से सब सारी चीज़ें कर लेती है, नीवी के पीछे पड़ना पड़ता है थोड़ा। तो बस मैंने उन्हें रेडी किया और ये शक्कर दूध गर्म किया उनके लिए। और फिर उसके बाद मैंने बोला आप दोनों दूध पीना। और मैं नीवी का, नानू का मन था कि आलू के पराठे ले जाने का,
तो मैंने जल्दी जल्दी आलू के पराठे बनाए, तो ये बन रहे हैं आलू के पराठे। और मैंने फिर किया दोनों का लंच बॉक्स पैक, एक नानू का और एक निबी का है। फिर उसके बाद नानू शूज़ पहन रही थी, आज सैटरडे है ना, तो उनके स्कूल नानू की क्लास में लगता है येलो कलर की यूनिफॉर्म और निबी को ऑरेंज कलर की। और ये हैं दोनों के न्यू बैग। और ये है कप, इसमें अगर आप पानी और दूध डालोगे ना तो वो लाइटिंग करेगा। तो अभी पानी डाल दिया था, निबी ने बोला मैं इसमें दूध पीऊँगी, मैंने बोला तुमने दूध पी लिया है, पानी पियोगी तो मैं इसमें ढक देते। और ये है निबी की बॉटल, तो बस बोला इसे दिखाओ आप, इसका वीडियो बनाओ। मैंने बोला चलो ठीक है बनाती हूँ। और ये मैं रख दूँगी ना, मतलब ये खाली कब कर लूँगी तो इसकी लाइटिंग अपने आप बंद हो जाएगी। बस फिर क्या था, मैं अभी हुई नहीं है, शायद थोड़ा सा पानी रह गया होगा, तो फिर इसके बाद वो 2 मिनट बाद 5 मिनट बाद बंद हो जाएगी। फिर मैंने इसके बाद निवी को थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि अभी वो छोटी है, तो ये हमारी निबी रानी जो कि वो भी रेडी खड़ी है, दोनों सिस्टर। एक्चुअली ब्रांच एक ही है स्कूल का, बट लगती अलग अलग जगह है। तो बस मैंने अब इन दोनों को भेजूंगी स्कूल, फिर इसके बाद थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा मुझे। मैंने बोला फ़ोटो खींच, फिर बच्चों के जाने के बाद थोड़ी शांति मिलती। तो ये मम्मी ना खोवा ऊँट रही है। एक्चुअली क्या था ना, कल मंडे है तो शंकर जी बनेंगे, और शंकर जी का क्या होता है हमारे यहाँ ना, हर मंडे प्रदोष और अमावस्या एक शंकर जी बने हुए थे, तो कल पूर्णा होती है। मीन्स कल ना क्या होगा पता है, कल ना हवन हो जाएगा, हम सारे लोग बैठ जाएंगे। तो मम्मी उसी के लिए प्रसाद बना रही थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ था, बच्चे भी आ गए थे, 12 बजे निवी आ जाती है, तो वो खेल रही थी, तो मम्मी पेड़े बना रही हैं। और फिर उसके बाद ना कजलियाँ बोएंगी, कजलियाँ। फिर इसके बाद मम्मी ने बोई कजलैया। तो कजलैया आप लोग भी बोते हैं क्या, जो राखी के दूसरे दिन आती है हमारे यहाँ भी बोते हैं। हमने पिछले बार ना नहीं डाला था, क्या हुआ था, पापा एक्सपायर हुए थे ना, दुख का त्यौहार था। तो ये क्या है ना, एक लेयर रेत की डाल दी है, उसके ऊपर से गेहूँ, और सेकेंड लेयर फिर रेत की डाल दी, और उसमें इतना पानी सींच देंगे। एक्चुअली मैं कुछ काम में लगी थी तब तक मम्मी ने ये कर दिया था, तो मैं पूरे आपको नहीं दिखा पाई, बट जो एक है ना वो आप लोग देखो। तो इसमें ना नीचे पूरे में रेत की एक लेयर है, फिर उसके ऊपर से गेहूँ, फिर उसके ऊपर से रेत से फिर ढक दिया है। कई लोग इसे बालू बोलते हैं, बट हम लोग की आदत ना रेत बोलने की पड़ी है, तो वो तो बस मम्मी इसे सब कर देगी। 6 जगह शायद उन्होंने डाला है। और फिर उसके बाद बस इसे ना ढक कर रख देंगे। ढक के रखने से क्या होगा ना, मतलब रोज़ नहा कर इसकी पूजा होती है ना, जैसे भगवान जी को भी चढ़ता है ये, और बहुत यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाते हैं, सबके घर घर जाते हैं और एक दूसरे को देखने कजलैया, बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है यहाँ पर। तो बस अब इसे ना ढक कर रख देंगे, और वो भी कहीं मतलब अलग से गर्माहट वाली जगह में। और फिर इसमें ना रोज़ पानी, मतलब नहाने के बाद का पानी डालेंगी, मतलब जल डालेंगी कहना चाहिए। तो बस ये कंप्लीट हो गया है। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए ना, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।